हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट निटिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन जेंट्स के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स के लिए ये स्वेटर का डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन कैसे बनाना है हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमें 12 फंदों के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो जैसे 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे लगा दिए आपने, उसके अलावा आपने एक एक फंदा इधर उधर एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले बनाया है, ये देखिए, यहाँ पर पहले मेरा क्या था, 4 फंदे उल्टे 8 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे 8 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे 8 फंदे सीधे। आपके पास जितने भी फंदे होंगे आपने कैसे सेट करना है, पहले 4 फंदे उल्टे 8 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे 8 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे 8 फंदे सीधे, फिर लास्ट में जितने भी फंदे हैं आपके पास, इस तरह से करने के बाद 4 फंदे उल्टे ज़रूर रखने हैं। जैसे यहाँ पर भी 4 फंदे उल्टे हैं, तो इस तरफ भी 4 फंदे उल्टे ज़रूर रखने हैं। तो उसके बाद एक एज स्टिच के लिए फंदा रखना है। तो इस तरह से हमारा 12 फंदों के मल्टीपल में डिज़ाइन बनेगा। तो जैसे मेरा यहाँ पर डिज़ाइन बन चुका है, अब ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ये डिज़ाइन अब हमारा चेंज होगा, ठीक है। जैसे हमारा डिज़ाइन यहाँ बना है, अब ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो चलिए बताती हूँ। तो डिज़ाइन की पहली ही सिलाई है ये, ठीक है। तो जैसे बनाना है वो आप लोगों की इच्छा है। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे, यहाँ पर मेरे पास 7 फंदे सीधे है। अब 4 फंदे हमारे, पहले मैंने डिज़ाइन बनाया था 4 फंदे, तो लास्ट में हमारे 4 फंदे रह गए थे, ठीक है। तो ये 4 फंदों को हमने क्या करना है, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 2। आपने यहाँ पर 8 फंदे रखने हैं, मेरे यहाँ पर 7 फंदे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ज़रूर 8 फंदे रखने हैं। 8 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, फिर से 2 3 4 5 6 7, 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 फंदा उल्टा, लास्ट में एज ए स्टिच 1 फंदा, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरे फंदे 12 12 फंदों के मल्टीपल में इस तरह से बनाना है। 8 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 8 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 8 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, और लास्ट में आपका 8 फंदा सीधा आएगा, ठीक है, इस तरफ भी। तो फिर से ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई। तो दूसरी सिलाई में ये देखिए, जो हमने सीधे साइड से उल्टे बनाए हैं, उल्टे साइड से सीधे बनेंगे, और जो हमारे 8 फंदे हैं उल्टे साइड से उल्टे बनेंगे, सीधे साइड से सीधे बनेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। उल्टे तरफ पहला फंदा उतारा, धागा पीछे की तरफ किया, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। उल्टे तरफ 1 2 3 4, जो हमारे 4 फंदे उल्टे उल्टे साइड से सीधे बनेंगे, सीधे साइड से उल्टे बनेंगे, ठीक है। बाकी जो 8 फंदे हैं वो सीधे साइड से सीधे, उल्टे साइड से उल्टे, 3 4 5 6 7 8 फंदा उल्टा, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4 फंदा सीधा, फिर हमारे पास यहाँ पर 7 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पर आप लोगों ने 8 फंदे रखने हैं, तो मेरे यहाँ पर 7 फंदे हैं, ठीक है। तो ये वही हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई, उल्टे तरफ से कंप्लीट। अब डिज़ाइन की तीसरी सिलाई ध्यान दीजिए,
तीसरी सिलाई हमारी सीधी साइड है और पूरे फंदे हमारे बाहर बाहर की तरफ बनेंगे सारे, पर बीच में हमारे फंदे ट्विस्ट करना है, उस पर भी ध्यान दीजिए। पहला फंदा उतारा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदों की बुनाई करी। अभी एक ये उल्टा फंदा और सीधा फंदा इस तरह से रखना है हमने। फिर ये देखिए हमने इनको ट्विस्ट करना है। इस सीधे फंदे को ऊपर से यहाँ लाएंगे और उल्टे वाले फंदे को नीचे से सामने लेकर आएंगे इस तरह से। ये देखिए सीधे वाले फंदे को पीछे और पीछे उल्टा वाला फंदा सामने लेकर इन दोनों को ट्विस्ट करके इस तरह से बुनाई करेंगे, ठीक है। फिर बीच में हमारे जो चार उल्टे थे अभी सिर्फ दो उल्टे बनेंगे, पर यहाँ पे बनेंगे सीधे, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारे आठ फंदे हैं, आठ फंदे, ठीक है। तो आठ फंदे में से अभी हमारी सीधी बुनाई छः फंदों की होगी। पहला नंबर और आठवां नंबर वाला फंदा हमारा, एक यहाँ पर उल्टा फंदा, एक यहाँ पर उल्टा फंदा, इनके साथ ट्विस्ट होगा। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है, बनाइए आप, उतार कर भी बना सकते हैं फंदे, ठीक है। तो यहाँ पर फंदे ट्विस्ट करा, फिर हमारे बीच के छः फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे। पहला और आठवां नंबर वाला फंदा जो सीधा वाला है उल्टे फंदे के साथ ट्विस्ट करना है, ठीक है। इस तरह से एक एक फंदा रखते हुए जाना है। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है सीधी साइड से। फिर से इधर फंदे ट्विस्ट करेंगे, एक फंदा यहाँ पर करा, ठीक है। दो फंदे यहाँ पर ट्विस्ट हुए, दो फंदे यहाँ पर ट्विस्ट हुए, धागा बाहर की तरफ ही रहेगा। एक दो फंदे बीच में सीधे, फिर से ये देखिए ट्विस्ट करने का, बस ये ध्यान देना है, ये उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा और सीधा फंदा ट्विस्ट होना है, ठीक है। इस तरह से ट्विस्ट करा, फिर बीच के छह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ। फिर इस तरफ से ये देखिए सीधा और एक उल्टा फंदा ट्विस्ट करना है इस तरह से। पूरे फंदे फिर हमारे सीधे बनेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन की तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब चौथी सिलाई की ओर बढ़ते हैं। तो चौथी सिलाई में हमारे जो फंदे, जो छह फंदे हमारे सीधे थे, ये यानी कि ये देखिए सीधे साइड से सीधे उल्टे तरफ से उल्टे बनेंगे, और जो हमारे फंदे यहाँ पर जो उल्टे फंदे थे चार फंदे, वो उल्टे साइड से सीधे बनेंगे। तो चलिए डिज़ाइन की चौथी सिलाई। तो चौथी सिलाई में क्या करना है, तो हमें उल्टे और सीधा नहीं करना है, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करना है। डिज़ाइन की चौथी सिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमें चौथी सिलाई में कोई उल्टे फंदे सीधे नहीं करने, सीधे फंदे उल्टे नहीं करने। तो पूरे सिलाई हमारा चौथा फंदे में उल्टे तरफ के फंदे सारे, पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई। तो चलते हैं डिज़ाइन की पांचवी सिलाई सीधी तरफ। तो सीधी तरफ में क्या करेंगे, अब ये देखिए अब बीच में जो हमारे चार फंदे सीधे तो थे ही थे, एक दो तीन चार फंदे, ठीक है। अब ये हमारे उल्टे बनेंगे इस वक्त, जैसे पहले यहाँ पर भी उल्टे बनाए थे, तो अभी उल्टे बनेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये हमारे छः फंदे सीधे, अब बीच में ये देखिए एक दो तीन चार फंदे हमारे उल्टे थे, फिर एक एक हमने ट्विस्ट करा हुआ फंदा लेना है। तो ये हमारे अब छः फंदे उल्टे आएंगे, एक दो
दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। ये देखिए जो हमने ट्विस्ट करा था, दो फंदे हमने उनको लिए, ठीक है, एक यहाँ से एक वहाँ से, तो छः उल्टे छः सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः। ये हमारे डिज़ाइन की पांचवी सिलाई, पूरे फंदे हमारे ऐसे ही बनेंगे, छः फंदे उल्टे छः फंदे सीधे, तीन चार, जैसे चार तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही थे उल्टे, एक एक फंदे हमने जो ट्विस्ट करा उन फंदों को लिया, ठीक है। इस तरह से एक इधर से लेना है एक उधर से लेना है, दोनों तरफ से नहीं, एक ही तरफ से नहीं लेना, तो जैसे एक यहाँ से लेंगे तभी हमारे छः फंदे बनेंगे उल्टे, इस तरह से छः फंदे सीधे, फिर से एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये हमारे डिज़ाइन की पांचवी सिलाई सीधी साइड से बनकर कंप्लीट हो गई। तो डिज़ाइन की छठी सिलाई, हमारे जो फंदे सीधे साइड से उल्टे बने हैं उल्टी साइड से सीधे, और जो सीधे हैं वो उल्टे, ठीक है। चार पाँच छः, छः फंदे सीधे छः फंदे उल्टे, डिज़ाइन की छठी सिलाई, छः जो हमारे बीच के सीधे फंदे हैं वो उल्टी तरफ से उल्टे बनेंगे, सीधे तरफ से सीधे बनेंगे, और जो छः फंदे हमारे सीधे तरफ से उल्टे बने हैं उल्टी तरफ से सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे। तो ये हमारे डिज़ाइन की छठवीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। अब सातवीं सिलाई में आइए, तो अब सातवीं सिलाई में फिर से हमारा ट्विस्ट करना है हमने फंदों को। ये देखिए एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, डिज़ाइन की सातवीं सिलाई में फिर से हमने ट्विस्ट करना है इस तरह से। अब पूरे फंदे हमारे सीधे सीधे ही बनेंगे डिज़ाइन की सातवीं सिलाई में भी। फिर से ये देखिए ये सीधा फंदा और उल्टा फंदा, इन दोनों को ट्विस्ट करना है इस तरह से। तो जैसे पहले हमारे पास छह सीधे फंदे थे, अभी इस बार हमारे पास चार फंदे सीधे फंदे बचेंगे। आपके पास जितने भी फंदे होंगे तो पूरे चार सीधे फंदे बचेंगे। ठीक है, इस तरह से एक दो तीन चार, बीच में जो सीधे फंदे हैं वो चार सीधे फंदे बनेंगे। फिर ये देखिए एक उल्टा और एक सीधा फंदा, इसको फिर ट्विस्ट करना है डिज़ाइन की सातवीं सिलाई। फिर बीच में चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार फंदे सीधे की तरफ से सीधे हैं, और बीच में जो उल्टे फंदे हैं वो भी सीधे आएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर फिर ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। ये हमारी डिज़ाइन की सातवीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। तो डिज़ाइन की आठवीं सिलाई में चलते हैं। तो डिज़ाइन की आठवीं सिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की आठवीं सिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की आठवीं सिलाई उल्टे तरफ पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट हो गए। अब फिर से डिज़ाइन की नौवीं सिलाई,
एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदे अभी यहाँ पर उल्टे आएंगे, ठीक है। तो जो हमारे ट्विस्ट करे हुए फंदे हैं वो है बीच में, चार फंदे हमारे पास पहले से ही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे उल्टे, चार फंदे हमारे पास पहले से ही थे। एक दो हमने यहाँ से ट्विस्ट करे हुए ले, दो हमने यहाँ से ट्विस्ट करे हुए फंदे लिए, फिर बीच में हमारे चार फंदे सीधे। डिज़ाइन की नौवीं सिलाई सीधी साइड है, तो इस तरह से पूरी सिलाई इसी तरह से बनेंगी, हमारे चार फंदे सीधे आठ फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, जो उल्टे वाले फंदे हैं वो बढ़ते हुए जाएंगे और जो सीधे वाले फंदे हैं वो घटते हुए जाएंगे। डिज़ाइन की नौवीं सिलाई एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। अब फिर से चलते हैं डिज़ाइन की दसवीं सिलाई की ओर। दसवीं सिलाई उल्टे तरफ, जो फंदे हमारे उल्टे तरफ से सीधे तरफ से उल्टे बने वो उल्टे तरफ से सीधे बनेंगे। तीन चार पाँच छः सात, अब ये देखिए बीच में अब ये हमारे चार फंदे सीधे, तो ये सिर्फ अभी हमारा इस बार चार फंदा सीधा होगा उल्टी तरफ वाली सिलाई में। चार फंदा उल्टा आठ फंदा सीधा, तीन चार पाँच छः सात आठ फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, चार फंदा उल्टा दो तीन, चार फंदा उल्टा धागा बाहर की तरफ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच फंदा उल्टा। तो ये हमारी डिज़ाइन की दसवीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। अब डिज़ाइन की हम आ गए ग्यारहवीं सिलाई में। तो ग्यारहवीं सिलाई में फिर से एक दो तीन चार, चार सीधे फंदे बनाए, फिर से हम इस फंदे को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। डिज़ाइन की ग्यारहवीं सिलाई सीधी साइड, इस तरह से फंदे ट्विस्ट किए हैं, फिर बाकी जितने भी फंदे हैं ये हमारे सीधे सीधे बनेंगे। बीच में जितने भी फंदे हैं वो इस तरह से सीधे सीधे बनेंगे। तो आपने बस ये सीधा फंदा और उल्टा फंदा का ध्यान देना है, यहाँ पर हमने फंदे ट्विस्ट करने होते हैं। ये ट्विस्ट करे, अब हमारे पास बीच में जो मतलब पहले आठ था, फिर छः था, फिर चार था, फिर अभी इस वक्त दो ही सीधे फंदे बचेंगे। ये देखिए दो फंदे सीधे, फिर से यहाँ इस तरफ भी ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। ट्विस्ट करा फिर से एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे, फिर ये देखिए एक उल्टा और एक सीधा फंदा, इसको ट्विस्ट करेंगे फिर बीच में दो फंदे सीधे, फिर इस तरफ भी ट्विस्ट करेंगे। बस ये ध्यान देना है जाओ हमारे ये देखिए जो सीधे फंदे बनते हुए जा रहे हैं और जो बीच में जो हम चार फंदे जो हम उल्टे बना रहे हैं, तो इधर उधर एक उल्टा और एक सीधा फंदा को ट्विस्ट करना है दोनों तरफ से। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की ग्यारहवीं सिलाई कंप्लीट हो गई। तो डिज़ाइन की बारहवीं सिलाई उल्टे तरफ पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करिए। डिज़ाइन की बारहवीं सिलाई हमारा उल्टे तरफ आएगा,
ये हो गई 11वीं सिलाई सीधी साइड, ठीक है। तो 12वीं सिलाई है उल्टे तरफ, तो पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करिए। ये हमारी 12वीं सिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट किए। तो चलते हैं डिज़ाइन की 13वीं सिलाई। तो 13वीं सिलाई में एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा धागा अंदर किया। अब ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 फंदा, 10 फंदा उल्टा, ठीक है। डिज़ाइन की 13वीं सिलाई है सीधी साइड, अभी हमारा 10 फंदा उल्टा आएगा और बीच में दो फंदे जो थे हमारे वो सिर्फ सीधे आएंगे डिज़ाइन की 13वीं सिलाई में, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी फंदे आएंगे पूरे इसी तरह से आएंगे, 10 फंदा उल्टा, बीच के दो जो सीधे फंदे थे वो सिर्फ सीधे बनेंगे। जो हमने ट्विस्ट करा था वो भी हमारे इधर उधर से दोनों फंदे उल्टे बनेंगे, बीच के दो फंदे सिर्फ वो सीधे बनेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन की 14वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। तो फिर से डिज़ाइन की 15वीं सिलाई की ओर चलते हैं। तो 15वीं सिलाई में सेम वही, जो हमारे उल्टे तरफ से दो फंदे सीधे बने हैं, ये देखिए दो फंदे सीधे तरफ से सीधे बने हैं, उल्टे तरफ से उल्टे बनेंगे, और जो हमारे सीधे तरफ से उल्टे फंदे बने हैं उल्टे तरफ से सीधे बनेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की 15वीं सिलाई है। तो इस तरह से पूरी तरह से ध्यान देना, दो फंदे जो बीच में सीधे आ रहे हैं दो फंदे बस उनका ध्यान देना, तो दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे। डिज़ाइन की ये हमारी 14वीं सिलाई है, सॉरी 14वीं सिलाई उल्टे तरफ। जो उल्टे फंदे हैं वो सीधे बनाना है उल्टे तरफ से, इस तरह से फिर दो हमारे सीधे फंदे डिज़ाइन की हमारी 14वीं सिलाई। सिर्फ दो फंदों को ध्यान में रखते हुए चलना है, बाकी आपने सारे फंदे सीधे सीधे बनाने हैं डिज़ाइन की 14वीं सिलाई में। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की 14वीं सिलाई उल्टे साइड से कंप्लीट। अब डिज़ाइन की हमारी 15वीं सिलाई आएगी सीधी साइड से। तो चलिए अब फिर से हमारा यहाँ पर फंदे ट्विस्ट होगा, जो दो फंदे हैं वो हमारे ट्विस्ट होंगे, ठीक है। ये देखिए एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा यहाँ पर इस तरह से इधर ट्विस्ट होगा। तो पूरे फंदे हमारे सीधे सीधे बनेंगे, अभी हमें धागा अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे फंदे सीधे सीधे बनेंगे। तीसरा सिलाई, पांचवा सिलाई, सातवां सिलाई, 11वां सिलाई, 13वां सिलाई, 15वां सिलाई, इस तरह से पूरे सीधे सीधे बनेंगे। फिर से ये देखिए जो दो फंदे हमारे सीधे हैं, एक यहाँ ट्विस्ट करना है एक यहाँ ट्विस्ट करना है। तो बाकी हम अभी तक जितने भी बनाते हुए आ रहे इन फंदों को हमने ऐसे ही ट्विस्ट करा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन की 15वीं सिलाई है सीधी साइड से। तो आप फंदे उतार कर भी कर सकते हैं, तो आपको जैसा इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं ट्विस्ट करने के लिए। बस ये ध्यान देखना आपने, उल्टा फंदा सीधा फंदा, उल्टा फंदा सीधा फंदा, बस एक उल्टा और एक सीधा फंदा को ट्विस्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की 15वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। तो 16वीं डिज़ाइन आप पूरे फंदे
उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करिए। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन की 15वीं सिलाई। कंप्लीट हो गई। तो 16वीं सिलाई आप पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करिए। तो ये देखिए हमारा 16वां सिलाई कंप्लीट होने के बाद बैक साइड से हमारा इस तरह से आएगा लुक, और राइट साइड से हमारा इस तरह से लुक आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जेंट्स स्वेटर के लिए है ये डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, और ये हमारा 16 सिलाई का डिज़ाइन है। तो इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, फिर से जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे शुरू में चार फंदे उल्टे शुरू के बता रही हूँ फिर से। अब ये हमारा डिज़ाइन जैसे पहले यहाँ बना था फिर यहाँ बनाया, अब फिर हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा। चार फंदे उल्टे आठ फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे आठ फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे आठ फंदे सीधे, इस तरह से आप लोग फंदे लगाइए 12-12 फंदों के मल्टीपल में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन पैटर्न बनकर तैयार होगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।